Hello guys, I'm Aditi Atal. And this is Anjali from BookXp. And we are glad, happy and overwhelmed that we received such a positive response from you guys. And here we are with another video, that is types of funny people. And we bet aapne aise log apne group mein ya apne aas paas zarur dekhe honge. Par ab in words ke saath aap unko properly describe bhi kar payenge. Toh words kya hai? Chaliye dekhte hain. Number 1. Buffoon. Buffoon का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई person जिसकी हरकतें थोड़ी foolish हो सकता है उसकी हरकतें हमें थोड़ी irritating लगे, मगर फिर भी वो amusing and entertaining लगता है. इसका सबसे अच्छा example है पंकज त्रिपाठी. He played a buffoon in the movie लुका छुपी. गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए. क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले. आप ठीक है? Number 2 is jester. Jester का मतलब होता है एक professional clown या joker जो कि अपनी skills के साथ लोगों को entertain करता है. Skills जैसे music, storytelling, acrobatics या फिर कोई भी ऐसी skill जिससे लोगों का entertainment हो. और आपने अपने बचपन में jester को जरूर देखा है. याद है हम लोग circus जाते थे जहाँ पे एक joker होता था. उस joker को classics में jester कहा जाता है. Number 3 is self-deprecating. Self-deprecating का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई person जो अपनी weakness को ही एक funny way में present करता है, वो उससे डरता नहीं है. इसका सबसे अच्छा example है कपिल शर्मा, जो अपनी weakness को अपने show में ही funny way में present करता है और लोगों को हंसाता है. अब कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. I'm very good and I'm happy to know that you can speak Hindi so that my burden is low now. The fourth word is goofy. Goofy का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि अपनी silly हरकतों से या फिर foolish हरकतों से लोगों को entertain करता है. वो अलग अलग noises निकालता है या छोटे छोटे act करके लोगों को entertain करता है. इसका सबसे classic example है जॉनी लीवर इन द सीरीज गोलमाल. आज उनकी टीवी के इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि इस तरह देता हूँ कि Number 5 is prankster. Prankster का मतलब ऐसा कोई person जो pranks करता हो, जैसे हम बचपन में करते थे, पर मैं तो अभी भी करती हूँ कि चुपके से खड़े हो जाना और कोई आ रहा है तो उसको डरा देना या फिर घंटी बजा के भाग जाना. तो ऐसी हरकतें. एंड आजकल बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो pranks के ऊपर based हैं, मगर कभी कभी वो pranks भारी भी पड़ जाते हैं. The sixth word is sarcastic. Sarcastic word आजकल काफी trending है क्योंकि लोग इसे cool दिखने के लिए भी use करते हैं. You know sarcasm. But sarcastic का असली मतलब होता है कि इस तरीके से जवाब देना कि वो बात उल्टी लगे या फिर एक clever और witty way में जवाब देना. और इसका सबसे classic example है friends का Chandler. अगर आपने friends देखा है तो आप जानते हैं कि Chandler ही sarcastic की definition है. I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Now a quick recap. तो हमने कौन-कौन से 6 words समझे हैं funny लोगों को describe करने के लिए. Number 1 is buffoon, जिसे आप पंकज त्रिपाठी से relate कर सकते हैं. Number 2 is jester, जिसे आप एक joker से relate कर सकते हैं. Number 3 is self-deprecating, जिसे आप कपिल शर्मा से relate कर सकते हैं. Number 4th is goofy, जिसे आप जॉनी लीवर के character से relate कर सकते हैं. Number 5 is prankster, जो आप शायद खुद से रिलेट कर सकते हैं. एंड नंबर 6 इज सरकास्टिक, बट उसे आप सिर्फ चैंडलर से रिलेट कीजिए. सो दैट्स इट गाइस, दीज वर द 6 टाइप्स ऑफ फनी पीपल. एंड अगर आपको और कोई टाइप पता है सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई क्लोज वन इस कैटेगरी में लाइक करता है तो आप डेफिनेटली उन्हें टैग करें. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट बुक रिकमेंडेशन, बुक रिव्यूज, देन प्लीज सब्सक्राइब बुक एक्सपी. And get the crux of daily and factual news only on Nedbuzz. So hit like, share and subscribe. See you guys next time.